एवरीवन। सो आज हम इस सेशन में देखेंगे इनपुट वैलिडेशन इश्यूज। सो बेसिकली इनपुट वैलिडेशन इश्यूज अक्सर क्यों होता है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। सो जो इनपुट वैलिडेशन इशू है वो अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जो भी इनपुट हम देते हैं वो सैनिटाइज नहीं होती है। सो उस रीज़न से क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड अटैक के चांसेस हो जाते हैं, लाइक SQL इंजेक्शन। सो दैट इज़ द रीज़न जो इनपुट वैलिडेशन इश्यूज है वो एप्लीकेशन में अक्कर होता है। सो हमारे आज के इस सेशन के लिए जो हम एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे वो है DIVA। सो DIVA एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं देयर आर सम टेस्ट केसेस लाइक इनपुट वैलिडेशन इश्यूज 1, 2 एंड 3। सो हम इन तीनों को टेस्ट करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन जस्ट क्रैक ऑल दीज थिंग्स एंड गेट द फ्लैग्स, राइट। सो जो सबसे पहला इशू है वो है ट्राई टू एक्सेस ऑल यूजर डेटा विदाउट नोइंग एनी यूजर नेम, राइट। सो देयर आर 3 users by default and your task is to output data of all the 3 users with a single malicious search. Okay, so basically यहाँ पे हमारा जो एक सिंगल कमांड से हमें 3 यूजर्स जो कि डेटाबेस में हैं उनका डेटा हमें यहाँ पे फेच करना है। हिंट दिया है इम्प्रॉपर और नो इनपुट वैलिडेशन इश्यूज अराइज व्हेन द इनपुट इज नॉट फिल्टर्ड, ओके, और वैलिडेटेड बिफोर यूजिंग इट। व्हेन डेवलपिंग कंपोनेंट टेक केयर इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड, ऑलवेज वैलिडेट इट फॉर ईज ऑफ टेस्टिंग। देयर आर 3 यूजर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम इज एडमिन, यू कैन ट्राई searching for admin to test the output. Okay, so they had given us the hint like admin is the valid user, so we can test how we get the data. So एक चीज तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है कि जो भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे वो डेटाबेस में जाके सर्च हो रहा है, वो डेटा डेटाबेस से फेच हो रहा है। अगर मैं टेस्ट सर्च कर रही हूँ तो यहाँ पे आ रहा है यूजर जो मैंने इनपुट दिया था not found। सो मतलब ये टेस्ट जो है वो डेटाबेस में जाके हमारे वो वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे जो इनपुट दे रही हूँ वो जाके मुझे एरर दे रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एडमिन देती हूँ, लेट्स सी क्या मिलता है जो हमें हिंट में दिया है। सो इफ आई डू एडमिन, सो आई विल गेट द डिटेल लाइक पासवर्ड इज पासवर्ड 1 2 3 एंड द क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स था वो हमें मिल गया, राइट। सो ये तो हो गया मेरा कि किस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। नाउ अभी हम इसका जो कोड है, सोर्स कोड है, एक बार वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का क्वेरी है और किस तरीके से ये डेटाबेस में से फेच हो रहा है। ओके, DIVA एपीके। Okay, so this is the Jakhar Aseem DIVA. Let expand here. And जो इसके related activity है वो ये वाली है SQL injection activity. We will click on the activity and this is the code for this. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका SQL query हमें देखना है कहाँ पे है। Okay, so this is the query. Okay, select star from SQLi user where user इक्वल। सो यहाँ पे यूजर का वैल्यू चेक हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही यहाँ पे हमारा जो यूजर का वैल्यू जो भी हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट दिया तो वो यहाँ पे चेक कर रहा है, ठीक है। वो क्वेरी यहाँ पे रेंडर हो रही है एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SQLi वेयर यूजर इक्वल्स टू टेस्ट। एंड देन अगर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है टेबल में तो ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमें रिजल्ट मिल रहा है, राइट। सो अगर यहाँ पे मैं एडमिन दे रही हूँ तो वो कंडीशन मैच हो रही है। सो इस केस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, मलिशियस पेलोड बनाना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स SQL इंजेक्शन टेक्निक, जिसके थ्रू हम यहाँ पे मलिशियस पेलोड देके टेस्ट कर सकते हैं कि हम अगर कंडीशन को ट्रू कर देते हैं तो यहाँ पे हम और ऑपरेशन के थ्रू कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कंडीशन ट्रू होगी और हमें रिजल्ट मिल सकता है बिकॉज द रिजल्ट विल बी ट्रू, राइट। सो हम जैसे वेब पेन टेस्टिंग में जिस तरीके से हम SQL इंजेक्शन टेस्ट करते हैं, सेम तरीके से हम इस केस में भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि क्वेरी आप देख रहे हो। सो अगर मैं यहाँ पे वो क्वेरी टेस्ट करती हूँ विच इज और वन एंड दिस इज द कमांड comment and search. Now see we get the detail of the every user जो हमारा यहाँ पे टास्क था जहाँ पे मुझे 3 यूजर का डेटा चाहिए था. डिफॉल्ट ऑफ योर टास्क इज टू आउटपुट ऑल ऑफ द 3 यूजर्स विद अ सिंगल मलिशियस सर्च. ठीक है. सो ये जो मैंने यहाँ पे टेक्निक देखा दिस इज कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स टेक्निक एंड हमने यहाँ पे इसको देख के इसका सोर्स कोड देख के हमने यहाँ पे ट्राई किया. सो ये पेलोड से हमारा जो डेटाबेस है वहाँ से हमने डेटा यहाँ से एक्सेस किया. सो हमारा जो फर्स्ट टास्क था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके. सो अभी नेक्स्ट टास्क पे बढ़ते हैं. सेकंड है हमारा इनपुट वैलिडेशन इशू पार्ट 2. ओके इंटरेस्टिंग. ट्राई एक्सेसिंग एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम ए वेब URL. An improper or no input validation issues arise when the input is not filtered or validated before using it. When developing component that take input from outside, always validate it. So यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले तो किस तरीके से हम जो sensitive data है inside the device वो किस तरीके से देख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है एंटर द URL. सो एंटर द URL तो मतलब पहले हम ट्राई करते हैं टू ओपन द google.com. लेट्स सी इफ वी कैन ओपन एंड रेंडर ऑन द सेम पेज. ओके. नाउ जैसे मैंने google.com डाला तो वी कैन सी हियर कि हमारा जो गूगल का पेज है वो आपको वेब पेज जो इनसाइड द एप्लीकेशन फ्रेम में आप देख सकते हैं. सो अगर जो वेब पेज गूगल का जो ये पेज है अगर मेरी एप्लीकेशन फ्रेम के अंदर ओपन हो रहा है सो दैट मीन्स मैं जो इंटरनल डिवाइसेस फाइल है थ्रू एप्लीकेशन वो देख सकती हूँ कि नहीं. सो अभी हमें वो चेक करना है कि वो मैं फाइल किस तरीके से देख सकती हूँ. सो वो देखने के लिए सबसे पहले तो मैं ADB के साथ कनेक्ट करती हूँ. ओके. सो ADB के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे फाइंड करना है IP एड्रेस. ओके. वाईफाई पे क्लिक करते हैं 3 डॉट्स एडवांस स्क्रॉल. ओके. सो द IP इज 192.168.0.136. ठीक है. ADB कनेक्ट एंड आपको डिवाइस जो कनेक्ट करना है उसका देना है IP एंड द पोर्ट 5555 एंटर. ठीक है. अभी यहाँ पे मैं शेल जाती हूँ और अभी मैं जाती हूँ SD कार्ड में. ठीक है. अब मैं कौन सी लोकेशन में हूँ? SD कार्ड में. अभी हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं टेस्टिंग फॉर इनपुट वैलिडेशन इशू पार्ट 2 एंड इसका नाम दे देते हैं fs.txt. ठीक है. ls करके देखते हैं. fs है yes. we will open cat fs.txt. ओके. सो ये फाइल है. नाउ अभी हम एप्लीकेशन में ये ट्राई करते हैं कि क्या ये जो लोकेशन में डेटा है विच इज प्रेजेंट इन द दिस लोकेशन SD कार्ड fs.txt क्या हम इस एप्लीकेशन के थ्रू उसको देख सकते हैं. सो ये देखने के लिए सो जस्ट सपोज फॉर अस इट्स अ कॉन्फिडेंशियल फाइल. हाउ वी कैन चेक? सो वी विल यूज फाइल कॉलन 3/ SD कार्ड एंड द नेम ऑफ द फाइल. ठीक है. अब वो जो पाथ सेम वो जो वहाँ पे दिया है विच इज SD card / the file name वो आप वहाँ पे दे सकते हैं. एंड आई विल क्लिक ऑन द व्यू. ओके. जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया यू कैन सी इट इज वर्किंग फॉर अस. जो उस फाइल के अंदर कंटेंट था वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. राइट. सो हमारे चैलेंज में क्या था कि हमें कॉन्फिडेंशियल फाइल देखनी है. ठीक है. सो अगर आपको प्रीवियस सेशन में याद रहेगा कि हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस में देखा था किस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं. सो द सेम थिंग, हम वही डेटा देखने का ट्राई करेंगे कि क्या हम वो जो शेयर प्रेफरेंस फॉर द Zakhar.Aseem.diva की शेयर प्रेफरेंस में वो डेटा देख सकते हैं. सो सबसे पहले तो हम उस लोकेशन पे जाते हैं, cd data/data, ओके, ls, ओके. सो वेयर इज द पैकेज नेम, दिस इज द पैकेज नेम, लेट कॉपी एंड cd एंड पेस्ट Zakhar.Aseem.diva, पेस्ट कर दिया, ls. सो वेयर इज द शेयर प्रेफरेंसेस, हियर, राइट. हम इसके अंदर जाएंगे, शेयर प्रेफरेंसेस, ls. सो यहाँ पे हमारा जो फाइल है, दिस इज द बेसिकली फाइल जिसके अंदर हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है. सो वी विल टाइप Zakhar.Aseem.diva preferences.xml and this is the file which contain the use password and the username as well, right? So we will try to be open here on the application, can we access that? So अभी इसको ओपन करने के लिए हम सेम लिखेंगे, data slash the package name which is Zakhar.Aseem.diva, right? And after that what was there, shared underscore prefs and slash, what is the name of the file, Zakhar.Aseem.diva, underscore preferences .xml, ठीक है. तो हम क्लिक करेंगे, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, ओके. नाउ you can see here we can see the content which is present in the XML file which contains some confidential information, okay. So I guess ये हमारा challenge 3 में ये हमने solve किया था. So this way we can just get the information here. So what that mean कि like this is a vulnerability here, लेकिन ये vulnerability अक्कर कैसे हो रही है, which is the vulnerable code for this. So now let us find the vulnerable code behind this vulnerability is URI scheme utility, okay. So in this code the vulnerable code is this, okay. What this code is saying, this piece of code allow the attacker to read any URL, any file which is present in the internal file, because it's not validating, it's not sanitizing any input which is coming from this, right? So and it allow the attacker to read any file. So that's the reason we can easily file this read this Zakhar.Aseem.diva preferences XML file in the same application frame. So this is the reason why this vulnerability is occurring here, that is the no validation and no sanitization, right? So this was our validation issue 3. And ये जो issue XML का शेयर प्रेफरेंस का हमने ये इनसिक्योर डेटा स्टोरेज इश्यूज में ये सॉल्व किया है ऑलरेडी, ठीक है. सो उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके. सो विद दिस वी कंप्लीटेड विद आवर सेकेंड वैलिडेशन इश्यूज, राइट. सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वैलिडेशन इशू, ठीक है, विच इज द इनपुट वैलिडेशन इशू 3. So what this validation issue is about? So this is a missile launch app, spread love not war, does the damn thing, your objective is not to find the code, okay, and the launch the missile, rather is to crash the app, okay. So our purpose is हमें यहाँ पे क्रैश करना है एप्लीकेशन को. Improper or no validation issue arises when the input is not filtered or validated before using it. When always validated, there is a classic memory corruption vulnerability. If you can get the code execution to have from, I don't expect anyone to go for that through, okay. So it's saying our purpose is to just crash, ठीक है. तो हम simple crash करके देखते हैं, ठीक है. अगर मैं कुछ input देती हूँ, it's saying access is denying, ठीक है. So अगर मैं यही string को या multiple स्ट्रिंग्स को यहाँ पे डालती हूँ एज वेल एज स्पेशल करेक्टर्स, तो क्या आता है, ओह इट्स स्टॉप्ड, सो इट स्टॉप्स। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पर्पस था वो तो सर्व हो गया, हमारा पर्पस यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रैश करना था, तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो नहीं ये एक्सेप्ट कर रहा है एंड एप्लीकेशन को स्टॉप कर रहा है, मतलब ये सिस्टम को सिग्नल दे रहा है, फोल्डिंग सिग्नल। सो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है बैकेंड में क्या हो रहा है, सो लेट्स फाइंड, ओके सबसे पहले हमें इसका प्रोसेसर आईडी फाइंड करना है, ps grep एंड diva, राइट। सो इसका प्रोसेस आईडी है 3441, राइट। सो वी विल कनेक्ट adb log cat pipe, हम यहाँ पे सर्च करेंगे grep 3441, राइट। सो इसके रिलेटेड है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं मल्टीपल यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ तो ये इनपुट जो वैलिडेशन है वो क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। आप देख सकते हैं हियर इट इज गेटिंग द सिग्नल लाइक सेगमेंटेशन फॉल्ट, और वी कैन से द सेगमेंटेशन जो वायलेशन है उसका, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिग्नल 11 मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो है, जो इसका एप्लीकेशन का जो स्टोरेज है और वो हम जो इनपुट दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न वो यहाँ पे अक्कर हो रहा है, देखिए, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न। नाउ अभी हम अगर ये देखना चाहते हैं कि इस कोड के बिहाइंड, इस वल्नरेबिलिटी के बिहाइंड क्या कोड है, तो वो हम अगेन जाके देखते हैं। दिस इज़ द कोड फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है JNI। JNI क्या है बेसिकली, इट्स अ जावा नेटिव इंटरफेस। जो मेथड DIVA JNI है विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्राम, ठीक है, रिटन इन टू द अदर लैंग्वेज। सो बेसिकली यहाँ पे अदर लैंग्वेज के साथ ये बिलोंग कर रहा है। सो इसके लिए हमें इसके एप्लीकेशन में देखना पड़ेगा कोड में कि ये किसके साथ बिलोंग कर रहा है। सो उसके लिए हमने यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, वही सोर्स कोड में जाके देखते हैं। मैंने डाउनलोड नहीं किया, सो वी विल लुक इनटू द कोड नाउ लाइक हाउ वी कैन सी। ओके, सो वी विल सर्च हियर github DIVA, ठीक है। सो ये कोड है, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट, किधर गया DIVA, एंटर, ओके वेट, फर्स्ट लिंक, ओके। सो यहाँ पे हमें ऐप के अंदर जाना है, ऐप के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर मेन, मेन के अंदर दिस इज द JNI, राइट, विच इज योर जावा नेटिव इंटरफेस एंड विच वॉज बिलोंगिंग टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे दिया है DIVA JNI विच इज ए रिटन इन C, राइट। सो अगर आप इसका कोड देखेंगे बिहाइंड दैट, सो आप देख सकते हैं देर इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज द कोड मैक्स साइज इज 20, which mean it's defining the maximum value of 20। and अभी ये जो बाद में ये जो size use किया है, इसको determine करने के लिए अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पे use किया है string copy code and p code। so this is the problem, this function is having problem, it's because it's not checking whether the size of the destination buffer size is large enough to hold the source parameter or not. So this is the reason to of memory or the buffer overflow, right? So this was our input validation issue 3, जो कि हमने successfully solve कर लिया है। So with this, we completed our input validation issue. But now I just want to discuss one more issue which is present into the another application. So let me open the application. This is the application. Okay, it's not opening, so let's start again. Let's open this. Okay, so this is the application. Okay, so in this we are having a challenge for the flag 9, which is a Firebase, right? Now अगर यहाँ पे हमें flag करना तो ही हम इसे solve, अगर फ्लैग एंटर करेंगे तो ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैंने ये जो सिंबल दिया है यहाँ पे क्लिक किया तो आया है एक एरर आया था विच इज जेसन के रिलेटेड, राइट? सो सबसे पहले तो हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहाँ पे जो कि इसके रिलेटेड है, विच इज ए व्हाट वाज द एप्लीकेशन एंड इंजर्ड एंड्रॉयड, राइट? और हमने प्रीवियस सेशन में हमने एक टॉपिक किया था विच वाज ए हार्ड कोडेड इश्यूज, एंड दैट टाइम हमने स्ट्रिंग्स फाइंड किए थे हार्ड कोडेड जो कि इस इशू के रिलेटेड थे। सो वहाँ पे आपने ध्यान वहाँ पे हमने देखा रहेगा कि स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत सारे हार्ड कोडेड इश्यूज थे। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें फायरबेस का जो डेटाबेस का लिंक है वो यहाँ पे हमें मिला था। नाउ वी विल ट्राई टू बी एक्सेस दिस, राइट? अभी अगर मैं इसे पेस्ट करती हूँ एंड विल सी व्हाट वी विल गेट। See, it's giving us a page. So if we wants to log in, so हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे credentials देने, तो हम यहाँ पे enter कर सकते थे। But जो हमारा option मिला था like dot json, right? अगर हम dot json देते हैं यहाँ पे, so we'll see what is there. So it's saying permission denied. So पहली चीज तो हमें यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है उसके फायरबेस डेटाबेस का। सो ये तो सिंपल है कि हमें कोड के थ्रू लिंक मिल गया, एंड देन अगेन वी गेट द वन हेल्प लाइक डॉट जेसन फाइल इज देयर, वी विल इजीली गेट द डेटाबेस। बट अगेन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप फायरबेस enum के थ्रू भी डेटाबेस फाइंड कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक कंपनी। सो ये गिटहब टूल है जिसके थ्रू अगर आपको डेटाबेस enum करना है तो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। ओके, abhi I guess I will show you if I will not get, I have a link Firebase enum. Okay, this is the tool. Okay, so with this you can just enum the database. So example is given how we can use. Very first thing we have to download, same like the other tool how we download, and this is the example like Python. This is a script A and C, and this is the name of the company. Like simply if you want to do the company analysis, so simply you can just put the company name, and ये आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ से एनालिसिस कर देगा और आपको फाइंड करके दे देगा कि किस तरीके से आप उस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं. एनी कंपनी, अभी यहाँ पे हेल्प दिया है. के इज फॉर कीवर्ड, एम इज फॉर म्यूटेशंस, पेजेस, कैटेगरी, ए फॉर एपीके प्योर. सो दिस वे यू कैन जस्ट चेक. बट नाउ लेट्स गेट इनटू द कोड फॉर दिस, राइट. सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से इस कोड के अंदर जाके हम किस तरीके से चेक करते हैं. ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम एक्टिविटी चेक करते हैं, विच इज ए 9th एक्टिविटी. ओके, सो इस एक्टिविटी में अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिया है डिकोड समथिंग, वी हैव टू बी डिकोड, राइट. व्हाट वी हैव टू बी डिकोड. So okay, so there is a kind of a string directory which is here, and we have to be decoded, right. This is belonging somewhere to directory, right. So I'm okay, so to that we will write here echo, paste here, and we will want to base 64 and -- decode, right. So it's saying it's somewhere, it's a directory which is a flags, right. So now we will try to be use this. Like हमने यहाँ पे JSON लिखा था, अभी उसके पहले हम यहाँ पे लिखते हैं flag, right. अभी हम enter करते हैं. So see, we get the flag for that. Now अगर आप यहाँ से अच्छे से ध्यान देंगे, हमारा ये एंड पॉइंट सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है. देखिए, फॉर अस जेसन वॉज सिक्योर्ड वन, बिकॉज जब हम डॉट जेसन वहाँ पे डाल रहे थे तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे आ रहा था परमिशन डिनाइड. बट जैसे ही हमने जो हमें डायरेक्टरी वहाँ पे मिली विच वॉज अ डिकोडेड वन इन द कोड, अगर जैसे ही हमने वो डाला, हमें पूरे के पूरे डेटाबेस का एक्सेस मिल गया, राइट. वी गेट व्हाट्स इनसाइड दैट, right. So this way we can just get into the database. So the main thing is we have to be protect our endpoints, like how we get here into the flags.json, and for अगर .json देखते थे तो वो protector था. Okay, so this was about the input validations and the Firebase का जो issues है वो हमने solve किया. So I hope it's clear. अगर कुछ भी क्वेरी है फॉर रिलेटेड टू फायरबेस एंड इवन दो इनटू द इनपुट वैलिडेशन, यू कैन आस्क. सो दिस सेशन इज कंप्लीटेड नाउ. सो इफ एनी क्वेरी, जस्ट पोस्ट योर क्वेरी इनटू द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन. थैंक यू.